अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूं आपकी होस्ट सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉट। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि नया साल शुरू हुआ और 2022 हुआ टाटा बाय बाय। पिछले साल ने जाते जाते आवाम के साथ साथ हमारे इदारे, हमारे कानून और हमारे मईशत की भी जई तई फेर दी। पिछले साल हमारे सियासतदानों की परफॉर्मेंस देखते हुए आफ्टर शॉक्स टीम ने उनके लिए कुछ अवार्ड डिजाइन किए हैं, तो आइए देखते हैं किसके हिस्से में कौन सा अवार्ड आता है। तो हमारा पहला अवार्ड है प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया है मरियम नवाज साहिबा ने। क्योंकि 2022 में जितनी जाली ऑडियोज और वीडियोस मरियम नवाज ने प्रोड्यूस करवाई हैं, इतनी शायद हॉलीवुड और बॉलीवुड 5 सालों में मिलके भी प्रोड्यूस ना कर सके। कोई नेब वाला बात नहीं मान रहा तो उसकी जाली तैयार की गई वीडियो आउट, कोई जज कोई ऑफिसर साथ नहीं दे रहा तो उसकी जाली ऑडियो आउट, और हर जाली ऑडियो और वीडियो रिलीज करने के बाद मोहतरमा फखर से कहती हैं, मेरे पास 2 टेप्स और हैं, तो मेरे पास ऑडियो भी 2-3 और हैं। जी तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की तरफ, शाइनिंग स्टार ऑफ द ईयर। जी तो शाइनिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। अरे रुको रुको पटवारी हो, हमेशा की तरह आधी बात सुनकर मिठाइयां बांटने जा रहे हो। शाइनिंग स्टार का अवार्ड उनको सबसे ज्यादा बूट चमकाने पर दिया जा रहा है। ये वो वाली शाइनिंग है जो आपको बड़े बड़ों के बूटों में नजर आती रही है। जी तो हमारा अगला अवार्ड है सखी ऑफ द ईयर। तो आपकी भरपूर तालियों में सखी ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है आसिफ अली जरदारी साहब को। क्योंकि 2022 में आसिफ अली जरदारी साहब ने दूसरी पार्टियों के लोगों को खरीदने के लिए अपना नहीं सिंध हुकूमत के खजाने का मुंह खोल दिया। किसी एमपीए को 30 करोड़ दिए तो किसी एमएनए को 40 से 50 करोड़। वाह जरदारी साहब ऐसा दिल रखते ही नहीं जिसमें सखावत ना हो। तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है खामखा ऑफ द ईयर। खामखा ऑफ द ईयर अवार्ड क्या खूब कैटेगरी है, देखते हैं कौन है हकदार इस अवार्ड का। खामखा ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहिबा। उन्होंने पिछले 8 महीने में अपने गैर मुल्की दौरों पर तकरीबन 2 अरब रुपए खामखा उड़ा दिए और उनके इन दौरों का पाकिस्तान को 1 टक्के का भी फायदा नहीं है। इसीलिए ये मिस मिस्टर खामखा करार पाए। जी तो नाज़रीन चलते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड की तरफ, लारा लप्पा ऑफ द ईयर। क्या कमाल की कैटेगरी है, देखते हैं ये अवार्ड किसके हिस्से में जाता है। तो जनाब ये अवार्ड जाता है मौलाना फजलुर रहमान साहब को। क्योंकि पिछले साल इनको सब ने लारे लप्पो पे ही लगाए रखा है, कभी बेचारे को सदर बनाने का लारा तो कभी खान साहब को नाहल कर देंगे, और तो और खान साहब को जेल में बंद करने का भी लारा लगाया गया। पूरा साल उनको लारो पे ही रखा, यहाँ तक कि 2023 आ गया। मुझे तो लगता है अगली बार भी ये अवार्ड यही जनाब जीतेंगे। जी तो अगला अवार्ड है बेतुका ऑफ द ईयर। वैसे तो ये अवार्ड पीडीएम के हर मेंबर का बनता है, मगर देखते हैं कौन है वो खुशनसीब जिसको ये अवार्ड मिला है, मरियम औरंगजेब साहिबा। बाईस में जितनी बेतुकी और बगैर सर पैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहतरमा ने की है, ये अवार्ड इसी वजह से उनको दिया जा रहा है। जी तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरी और मेरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।